हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हफ्ते में एक दिन राजमा न बने तो ऐसे लगता है हफ्ता ही नहीं कंप्लीट हुआ। तो आज हम मैं टिपिकल पंजाबी राजमा बनाऊंगी जो मैं अपने घर में बनाती हूँ। मेरे घर पे सबको बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। मार्केट में बहुत तरह के राजमा मिलते हैं, मैं आज कश्मीरी राजमा यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप राजमा एक बाउल में ले लिए हैं। इन्हें मैं अच्छे से साफ करूँगी पानी से। 2-3 बार इसे पानी से अच्छे से साफ करने के बाद मैं इसे सारी रात भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी रात भीगने के बाद राजमा कुछ ऐसे हो जाएंगे, इस तरह से फूल जाएंगे। देखिए, अब हम इन्हें बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें हम 2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे 4 से 5 सीटी के लिए बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, 2 प्याज और हरी मिर्च अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, थोड़ा सा दही लिया है, जिंजर है, इसे मैंने ना तो ग्राइंड किया है, ना तो ग्रेट किया है, ना तो चॉप किया है, क्योंकि इसको मैं इसमें अच्छे से स्मैश करूंगी, क्योंकि स्मैश करने से ही जिंजर का अच्छे से टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने खड़ा ज़ीरा लिया है, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, अमचूर पाउडर है, काली मिर्च है और ज़ीरा पाउडर है। मेरा स्पेशल घर का बना हुआ मसाला जो मैं तकरीबन अपनी हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं एक दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें जीरा डालूंगी और इसे क्रैकल होने दूंगी अच्छे से। जैसे ही जीरा हमारा क्रैकल हो जाएगा, इसमें मैं अपने प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। और हम प्याज को धीमी आंच पे भूनेंगे। अगर हम प्याज को तेज़ आंच पे भूनते हैं तो प्याज के जलने का डर होता है, जिससे इसमें कड़वा टेस्ट आएगा। अब हम अदरक को इसमें अच्छे से कूट लेंगे। अपना सारा गुस्सा अदरक पे निकाल दीजिए और इसे अच्छे से कूटिए। यहाँ पे अदरक के साथ गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं गार्लिक नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्याज थोड़ा सा कलर चेंज कर चुका है, तो हम इसमें अपना कूटा हुआ अदरक डाल देंगे। अच्छे से अदरक को पकाएंगे ताकि अदरक अपना सारा फ्लेवर मसाले में छोड़ दे। आई नो कि प्याज को भूनने का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है, बट जितना हम धीरे से धीरे धीरे और प्याज से खाना बनाते हैं, उतना ही खाना टेस्टी बनता है। यहाँ पे आपको लगेगा कि प्याज भून चुका है क्योंकि साइड से तेल निकलना शुरू हो गया है, लेकिन प्याज अभी तक भी नहीं भुना है। प्याज को हम और अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब प्याज बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे प्याज पक गए हैं। एक तो इनका कलर चेंज हो गया, एक आप देखेंगे जैसे हम मैं इसे स्पैचुले पे लेती हूँ, ये अपने आप पकना शुरू होता है। इसका मतलब कि हमारा प्याज भून चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च डालते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। हल्दी डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। अच्छे से इन्हें प्याज में मिक्स करेंगे और पकाएंगे। अगर आपका प्याज थोड़ा ज़्यादा सूखा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले जले नहीं। अब हम इसमें अपना टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, हम नमक भी ऐड कर देंगे। ध्यान से ऐड करेंगे क्योंकि हमने राजमा बॉईल करते टाइम उसमें नमक डाला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, साइड से अच्छे से तेल भी आ गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। यहाँ पे ये जीरा पाउडर है, अमचूर पाउडर है, अमचूर पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिलाएंगे और इसमें छोटा चम्मच या आधा चम्मच आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं। धनिया पाउडर
इतना हम अच्छे से पकाते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं, धीमी आंच पे पकाते हैं, उतना ही अच्छा खाना बनता है। इसी रेसिपी को अगर आप फटाफट तेज तेज पका लेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। फ्लेवर तभी आता है जब आप धीरे धीरे प्यार से पकाते हैं। आइए चेक करते हैं राजमा का क्या बना। राजमा हमारे अच्छे से गल गए हैं, हमें ऐसे ही गले हुए राजमा चाहिए। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एकता ने दही तो यूज़ ही नहीं किया। हाँ, हमने दही अब ऐड करेंगे। इसमें राजमा की सब्जी में दही हम मसाले में नहीं पकाते हैं, दही को हम बीच में पकाएंगे इसके साथ ऐसे ही। अब जैसे मैंने मसाला मिक्स कर दिया है, यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट के रख लिया था। ये आधा कटोरी दही है, इसे हम राजमा में ऐड कर देंगे। और अब राजमा को सीटी लगाकर 3-4 सीटी अच्छे से पका लेंगे। इससे मसाले का फ्लेवर राजमा में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और राजमा बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये सिंपल सी राजमा है, ये वो राजमा नहीं है जो हम आपको ढाबे पे रेस्टोरेंट में वो राजमा मसाला मिलता है वो मिलेंगे। ये वो राजमा है जो हम पंजाबी लोग आम घरों में खाते हैं रेगुलर। जब तक हमारे राजमा पकते हैं तब तक मैं इधर थोड़े चावल बॉयल कर लूँ, क्योंकि मुझे राजमा ना बॉयल्ड राइस, प्लेन वाइट बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप राजमा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, तवा रोटी, तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, पराठा, बट राजमा राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट राइस, बॉयल्ड वाइट राइस। आइए राजमा चेक करते हैं। राजमा हमारे बन के बिल्कुल रेडी हैं। द कलर, द टेक्सचर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर और इन्हांस होगा। राजमा मेरे बहुत फेवरेट है, तो मुझे बहुत भूख लग गई है। चलिए अपनी थाली में राजमा डालते हैं और खा के बताते हैं राजमा कैसे बने। राजमा हम अकेले नहीं खा सकते, उसके साथ और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। आइए देखिए मेरी थाली में क्या है। ये है मेरे राजमा, यहाँ पे कटा हुआ प्याज है, नींबू है, आम का अचार है, आम की चटनी है, पापड़ है, राइस है और मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। इट्स लुक सो यम, लुक एट द ग्रेवी, हाउ थिक इट इज। परफेक्ट।